केंद्र ने राज्यों को जारी किए कोविड अनलॉक के लिए 5 सूत्रीय दिशा निर्देश। राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ाने, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की नीति अपनाने को कहा। महान धावक फ्लाइंग सिख पद्मश्री मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में निधन। देश भर में शोक की लहर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर जताया शोक। मिल्खा सिंह को बताया लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। टीकाकरण के बाद अस्पतालों में संक्रमितों के भर्ती होने की संभावना 75 से 80% तक कम। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने एक सर्वेक्षण के हवाले से दी जानकारी। देश में अब तक 27 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 18 से 44 आयु वर्ग के 19,43,000 से अधिक लोगों को पहली डोज और 77,989 लोगों को लगाई गई दूसरी डोज। भारत और भूटान ने पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते पर किए हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा इससे द्विपक्षीय सहयोग के खुलेंगे नए रास्ते। म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के लिए भारत ने एक बार फिर किया समर्थन। यूएन में भारत ने हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई का किया आह्वान। विश्व में कोविड के मामले 17,82,00,000 के पार। मृत्यु का आंकड़ा 38,59,000 पहुंचा। अब खबरें खेल जगत से। टेस्ट मैच में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बनी भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा। ब्रिस्टल में पहली पारी में 96 रन और दूसरी पारी में 55 रन बनाकर रही नाबाद। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले के पहले दिन का खेल बारिश के कारण रद्द। आज दूसरे दिन के मैच के लिए मैदान पर उतरेंगी दोनों टीमें।